ये है क्राइम हिलोरी न्यूज। क्राइम हिलोरी न्यूज पर खबरों के प्रायोजक हैं बीकानेर स्वीट्स कॉर्नर, बीकानेर स्वाद की शान चौक मुल्तानी ढाणा पहाड़गंज में, और आपकी सेवा में एक बार फिर पहाड़गंज की शान हर दिल का अजीज दरबार रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी चौक मुल्तानी ढाणा पहाड़गंज में फ्री होम डिलीवरी। दरियागंज थाने में एक पीड़ित डॉक्टर विपिन भटनागर ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया उनके फोन पर एक मैसेज जिसमें मोबी क्विक ऐप के द्वारा उनके क्रेडिट कार्ड से 1500 व 3599 कैश डेबिट का मैसेज आया। उन्होंने वह कार्ड कई दिनों पहले से इस्तेमाल भी नहीं किया था। इसके बाद पीड़ित भटनागर ने अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया। इसके बावजूद भी फोन पर मोबीक्विक ऐप से 31,000 कैश व पेटीएम से 61,000 कैश ट्रांजेक्शन का मैसेज आया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उनके पास एक बैंक एग्जीक्यूटिव का फोन आया था जिसने उन्हें क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बताते हुए कहा IVR और OTP बताने पर उनको 5,000 कैशबैक मिलने की बात की थी। शिकायत के आधार पर दरियागंज SP वीर सिंह के दिशा निर्देशानुसार SHO राकेश शर्मा के नेतृत्व में SI सोनल राज, रविंदर, सुमित, विनीत, हेड कांस्टेबल राजेंद्र, विनोद की टीम ने तत्परता दिखाते हुए अपने सूचना तंत्र माध्यमों से जानकारी जुटाते हुए इस साइबर क्राइम से जुड़े गिरोह के 5 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया। दरियागंज उपायुक्त संजय भाटिया के अनुसार पकड़े गए 5 अभियुक्तों की पहचान पवन सिंह बीटेक का छात्र गुरुग्राम हरियाणा से है, दूसरा मोहम्मद जाहिद, तीसरे का नाम कमल उर्फ छोटू, राधा, बंटी, यही सब मुख्य आरोपी पवन सिंह के लिए काम करते थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सूत्रों के हवाले से पता चला कि कुछ लड़के इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम लोगों ने टेक्निकल बेसिस पर भी काम किया और बहुत सारी दूसरी पहलुओं पर भी हमने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम पवन, जाहिद, राधा, बंटी और कमल हैं। पवन और जाहिद इस गैंग के मास्टरमाइंड हैं जिसमें पवन लीडर है और बीटेक पढ़ते हुए पढ़ाई छोड़कर इस काम में लग गया। पवन जो बैंक की डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करवाता था और राधा और बंटी टेलीकॉलिंग का काम करते थे। जाहिद और पवन मिलकर दोनों फेक आईडी पर सिम कार्ड इशू कराकर मोबाइल पर वॉलेट्स क्रिएट किया करते थे जिसमें ये लोग जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जो बेचारे सोच रहे हैं कि कोई वाकई में उनसे जेन्युइनली बैंक का कॉलर कॉल कर रहा है, उसके पैसे ट्रांसफर कराकर इन वॉलेट्स में ले लिया करते थे और बाद में इन वॉलेट्स से ये अपने अकाउंट्स में या कैश के थ्रू पैसे निकाल लेते थे। पुलिस जांच अनुसार इन्होंने 1,000 से ज्यादा लोगों को इस पैसे की ठगी का शिकार बनाया। पुलिस ने तलाशी के दौरान इनसे 10 मोबाइल फोन, निकाली गई राशि का डाटा में बैंक डाटा डिटेल और XUV500 कार बरामद करते हुए दरियागंज पुलिस आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की गहन तफ्तीश के जरिए इस गैंग के तार आगे कहां तक जुड़े हैं पूरे गिरोह तक पहुंचने की फिराक में है। DCP संजय भाटिया ने इन आरोपियों को पकड़े जाने के एक साथ हजारों केसों का खुलासा होने का आसार जताए हैं। इस साइबर क्राइम केस को उन्होंने दरियागंज पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा हम उम्मीद करते हैं कि इससे साइबर के जरिए पैसे की ठगी का शिकार हुए लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। उनके अनुसार आखिर दोनों बैंक की डिटेल्स इन लोगों के पास कहां से और कैसे आई, हम इस मामले की अंदरूनी तह तक जाँच की प्रक्रिया में जुटे हैं। पवन और जाहिद के मोबाइल फोन में हजारों ऐसे कस्टमर्स के डिटेल मिले हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और उनसे पता लगा रहे हैं कि उन्होंने इस गैंग के ट्रैप में आते हुए कितने पैसों का नुकसान हुआ। काफी जगह केस भी दर्ज हो चुके हैं। अब तक काफी लोगों से बात होने के बाद करीबन 15 ऐसे FIR ऑल ओवर इंडिया दर्ज हो चुके हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं। इसमें मोडस ऑपरेंडी ये है कि पवन, कमल और जाहिद मिलकर आगे की चेन भी है जो बैंक के अंदर से डिटेल निकलवाया करते थे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की। उनको टेलीकॉलर राधा और बंटी बैंक का एम्प्लॉय बन के कॉल करते थे और झांसा देकर कि हम आपके कुछ पैसे रिफंड करवा देंगे या कुछ इंश्योरेंस का पैसा कट गया है वो रिफंड करवा देंगे बात करते हुए उनके पास चूंकि कार्ड होल्डर्स की डिटेल्स होती थी, डिटेल्स के थ्रू वो
ये क्लाइंट को बिलीव करा दिया करते थे कि वो जेन्युइन बैंक से ही कॉल कर रहे हैं। जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो इनकी बातों में आकर उनसे बात करते हुए एक ओटीपी जो उनको जब जनरेट होता है पैसे ट्रांसफर करते हुए, तो वो ओटीपी बता दिया करते थे टेलीकॉलर को, और ओटीपी आते ही उनके क्रेडिट कार्ड से जो है पैसे निकलने शुरू हो जाते थे। इन लोगों के बैंकों में हम लोगों ने ट्रांजेक्शन चेक की है, काफी ट्रांजेक्शन है और कैश काफी निकला है। इसमें छानबीन की जा रही है, आगे की इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। मनी आर्या, क्राइम हिलोरी न्यूज, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।